सो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि आप अपने सर्टिफाइड कॉपी को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपी आई मीन टू से कि अगर आपने फ्लैट की रजिस्ट्री अगर कराई है अपनी, तो उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी होती है, पहले जो अपने लॉयर से आपको निकालना पड़ता था, आप उसको ऑनलाइन प्रोसेस घर बैठे कैसे निकाल सकते हैं। एंड इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स ऑफ योर टाइम, राइट। सो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको लिख देना है WP रजिस्ट्रेशन गूगल में, और इस तरीके से आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। इसमें आपको नीचे जाना है और आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डीड, तो यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ये दूसरे वेबसाइट पे आपको ये लेके जाएगा, तो आपको ओके क्लिक कर देना है और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे ई डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पेज पे। इस पेज पे आपको यहाँ पे अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। करने के बाद में आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे कैप्चा डाल के, जो भी होगा। ओटीपी के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते ही आपके सामने ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड डीड। नीचे जाना है आपको, अप्लाई पे क्लिक करना है, इसको चूज करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप चूज कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट आपको वो चूज करना है जहाँ पे आपने रजिस्ट्री कराई है, जहाँ पे आपके रजिस्ट्री ऑफिस है, राइट। तो यहाँ पे आपने कोलकाता चूज कर लिया इन माई केस। फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर ऑफिस जो है ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे पॉपअप हो गया जाएगा। यहाँ पे ईयर चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको देखना है कि आपने किस ऑफिस में आपने उसको रजिस्टर कराया था, तो कोलकाता के ARA 2 जो था उसमें रजिस्ट्री हुआ था, जो डीड में सर्च करने जा रहा हूँ, तो इसको मैं चूज कर लूंगा। अब यहाँ पे आपको चाहिए होगा डीड नंबर। डीड नंबर मतलब आपको सिर्फ 1 2 3 4 5 डिजिट जो है आपको यहाँ पे डालना है। अब ये 5 डिजिट कहाँ से मिलेगा, मैं वो आपको सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। सर्च सेलर एंड बायर बाय पार्टी, सर्च बाय ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी डिटेल्स, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, बट आपको यहाँ से मिलेगा नहीं वो, राइट। तो आपको ये 5 ही डिजिट डालने हैं, और ये 5 डिजिट आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कन्फ्यूजन यहीं पे होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये देख लेते हैं हम लोग, ये 5 डिजिट कहाँ से मुझे मिलेगा। उसके लिए आपको ये प्रीवियस वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा यहाँ पे, और आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे है। आप इसको सर्च करने का जो है सर्चिंग ऑफ डीड आप कई तरह से कर सकते हैं, बाय सेलर पार्टी नेम, सर्च बाय ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी डिटेल, सर्च बाय डीड नंबर एंड क्वेरी नंबर। आपके पास तो क्वेरी नंबर डेफिनेटली रहेगा, अगर आपने रजिस्टर कराया है तो आपको पता है। अदरवाइज बाय सेलर एंड बायर के नेम से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो अगर बाय क्वेरी नंबर अगर आता है तो आप क्वेरी नंबर के हिसाब से भी अगर यहाँ पे है तो क्वेरी नंबर डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं, राइट। मेरे केस में अभी मैं क्वेरी नंबर से नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बाय नेम सर्च करके आपको दिखाता हूँ, राइट। यू कैन ऑल्सो सर्च इट अकॉर्डिंगली। सो सबसे बाई पार्टी नेम अगर आप कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे जाएंगे आप, जो जिस बंदे का भी सर्च करें उसके यहाँ पे नाम लिखेंगे। अपना ईयर मेंशन कर देंगे, वेयर इट इज रजिस्टर्ड, तो आप रजिस्ट्री का जो ऑफिस है उसको मेंशन कर देंगे यहाँ पे। इन माई केस इट्स कोलकाता, और यहाँ पे आप यहाँ पे जो डिटेल्स है कैप्चा भर देंगे, 7D एंड डिस्प्ले। नीचे जाएंगे और आपको दिख जाएगा आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको जो दिख रहा, जो 5 डिजिट्स की मैं बात कर रहा था, ये 5 जो डिजिट की बात कर रहा था मैं, आपको ये यहाँ पे आपको डीड नंबर में आपको दिख जाएगा, और डीड नंबर में आपको ये दिख रहा होगा 2021, उससे पहले वाला जो 5 डिजिट है
आपको ये सारा अवॉइड करना है, जो यहाँ से लास्ट की जो 5 डिजिट है 03833, ये आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। और उसके बाद में आप सर्च पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ऐसा खुल के आ जाएगा कि आपका कितना अमाउंट लगेगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो डीड है उसका नंबर ऑफ पेजेस क्या है। तो अगर नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा रहेगा तो आपको पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, बट वो बहुत ही मिनिमम होता है। और आपके आने जाने का जो खर्च होता है डेफिनेटली उससे तो कम ही होता है। तो 416 रुपये है इन दैट केस, और पेजेस जो है 53 है। यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स है, बेसिक डिटेल्स है, आप कौन हो जो डाउनलोड कर रहे हो उसका डिटेल पूरा देना पड़ता है। तो आप अपना यहाँ पे पूरा डिटेल भरिए, और डिटेल भर के आपको पेमेंट पेज पे लेके चला जाएगा, फिर आपको वो पेमेंट कर देना है। पेमेंट कर देने के बाद आपको एक AIN नंबर, इस नंबर को कॉपी कर लेना है आपको, और कॉपी करके आप इस पेज पे चले जाएंगे फिर से वापस। आपने मान लिया कि पेमेंट कर लिया, फिर आप चले जाएंगे उस पेज पे, फिर होम चले जाएंगे आप, आपको फिर से वही प्रोसेस करना है। इट टेक्स मिनिमम 1 मिनट्स ऑफ योर टाइम। और उसके बाद में यहाँ से फिर से सर्टिफाइड कॉपी लिखोगे आप, रजिस्टर डीड यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर से आप यहाँ जाओगे अप्लाई क्लिक करोगे, लेकिन इस बार आप यहाँ सर्टिफाइड कॉपी नहीं क्लिक करके आप लिखोगे गेट अप्लाइड डीड डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे क्लिक करके, और आपके पास जो AIN नंबर जो कि मेल पे आया था आपके पास, ये मेल आईडी कहाँ से आया, मेल आईडी आपने डाला था पेमेंट करते समय जो आपने डाला था, तो वहाँ पे वो AIN नंबर आ जाएगा, उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे आप और सर्च क्लिक करेंगे। और सर्च क्लिक करते ही आपका रजिस्टर डीड जो है वो आपके सामने आ जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो उसको इमिडिएटली, और डाउनलोड करके आप प्रिंट कर लीजिए और उसको आप कहीं भी सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका डीड आपके सामने आ जाएगा और आप उसको आराम से यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए लाइक दिस। अगर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड हो गया सिंपली, ये डाउनलोड हो गया आपका डीड। सो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं डीड को आराम से, और इसको आप जहाँ मन तहाँ इस्तेमाल कीजिए। सो सिंपल प्रोसेस, और ये एक बार आप करने के बाद में आप कभी भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ टाइम आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको इस वेबसाइट से। सिर्फ आपके पास में जो ANI नंबर जो है, जो AIN नंबर है सॉरी, ये आपके पास में हमेशा अवेलेबल रहना पड़ेगा। सो इट्स वेरी इजी प्रोसेस, बहुत लोगों को पता नहीं होता, इसके लिए बहुत सारा पैसा स्पेंड करते हैं। आप सोचिए कि अगर एक दिन की अगर छुट्टी लेके अगर आप जाते हो तो आपका आने और जाने का कॉस्ट क्या होगा, प्लस आपकी उस छुट्टी की कॉस्ट क्या होगी। सो इट्स वेरी इजी, आराम से डाउनलोड कीजिए घर में रखिए, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो, थैंक यू वेरी मच।